दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में भूखे शेर की तरह दहाड़े हैं यशस्वी जायसवाल। टेस्ट को T20 बनाते हुए एक नहीं, दो नहीं, 10 से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक बांग्लादेशी टीम की उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने इस बार बांग्लादेश का घमंड कुचलते हुए लहराया है अपना परचम। गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक। छोड़ा रोहित विराट को भी पीछे उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टेस्ट सीरीज का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारत के खूंखार खिलाड़ियों के सामने घमंड में चूर बांग्लादेश की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। ऐसे में जब चेन्नई के मैदान पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला प्रैक्टिस टेस्ट मैच शुरू हुआ, तब सबको लगा था कि इसमें कोई भी टीम बाजी नहीं मार सकती है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी, खासतौर पर यशस्वी जायसवाल, बांग्लादेश के खिलाफ अपने बल्ले से इस कदर गदर मचाएंगे कि भारत को रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेशी टीम को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन ये टीम इंडिया पर भारी पड़ी जब 50 रन भी बने थे और हमारे 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे, रोहित से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि यशस्वी जायसवाल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में बांग्लादेश तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे ही इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन यशस्वी तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने सौरिफुल इस्लाम की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के यशस्वी ने ठोक दिए थे। वहीं तीसरी गेंद पर उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा दिशा बिगाड़ दी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा रोहित कोहली से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरी बल्लेबाजी बांग्लादेशी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टेस्ट को T20 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने हसन महमूद की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल केवल 31 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए शाकिब अल हसन के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर यशस्वी जायसवाल ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 32 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी। केवल इतने में ही उनका तूफान नहीं थमा, जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो बांग्लादेशी खेमे में। उनके अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेशी टीम की शामत ही ला दी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उनके खौफनाक साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी दूर होने वाले पहले टेस्ट में बांग्लादेश के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आप यशस्वी जायसवाल के इस बेहतरीन पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसपे कौन बाजी मार पाया, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए, इन सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीत हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीत हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो, जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत को चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था, तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्ला। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चलती जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले और अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्ला ने साथ ही बल्लेबाज के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्ला ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं 1-1 विकेट अर्शदीप सिंह और रियान पराग के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलवाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाजी के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने तो शुरुआत शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ लगा रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए, तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इस बीच सूर्या ने अपना तूफानी शतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहाँ T20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपना विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाज
बल्लेबाजों की बेरहमी से कुटाई करना शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां खास बात तो ये रही थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो रही थी, यहां तक कि रिंकू सिंह भी। वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक चढ़ाने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे, बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं।